तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को हमारे ब्लॉग वाला यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त का भी कमेंट आया था कल की जो वीडियो बनाए हैं शादी में, उसका भी वीडियो अपलोड कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ वो वीडियो। सो देखते हैं कितना मिनट को, हमको लग रहा है कि 8-10 मिनट का हो ही जाएगा। तो बहुत दिन से करीना सबसे भी नहीं मिले हैं, 2-3 दिन हो गया है। सो दोस्तों, चलिए मिल लीजिए। ममता तो हम लोग का अभी स्कूल गई हुई है, अभी 9:30 बज रहा है। तो देखिए करीना सब वहीं खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा धूप भी निकला हुआ है और हम लोग बैठे हैं, देखिए इमली के पेड़ के नीचे। हेलो दोस्तों। बाबू हेलो। तो दोस्तों, ममता तो स्कूल गई हुई है, तो चलिए देखते हैं कथा पूजा और बच्चे को कैसे, मतलब कि मुँह जूठी कराएं, मतलब खाना खिलाएं। तो 6 महीना से पहले खाना पीना नहीं खिलाते हैं इधर गांव में, ऐसा मतलब रीति रिवाज करते हैं। तो 6 महीना 7 महीना हो गया था, तो खाना सब खिलाएं, आप इधर पूरा खिलाएंगे ही। तो चलिए देखते हैं। छोटका पीरा बैठे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनो परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनो के संकट छमित। सो दोस्तों, देखिए क्या बोलते हैं बच्चे का नाना जी पहले मतलब खिलाते हैं इधर चावल सबको, तो वही काज कर्म कर रहे हैं। जितना भी 2-3 आइटम का चावल बना है उसको खिलाएंगे। रामचंद सिंह मेरे है।
मारते जाइए आधा खाता है जी खड़ा खड़ा कौन खाता है ना खड़ा खड़ा कौन खाता है चलो एक और का दीपा की गाइड में हां खाले हाले आए हो ठीक है हां गाना पी के पूरा थैंक यू अरे उतना नहीं बस नहीं थोड़ा थोड़ा हमको भी पोसेगा हम बूढ़ा हो गया हाँ नौकरी करेगा है ना चलो हाँ नौकरी करेगा सो दोस्तों अभी बच्चे को भी गिफ्ट सब देंगे और दे रहे हैं और जो मुझूठी बोला था वो तो कार्यक्रम ख़त्म हो गया ऐसे तो सारे काम ख़त्म हो चुका है अभी गिफ्ट सब दे रहे हैं और इधर बैठे हैं प्रसाद सब बांटने के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग का भाई सब देते ले और करीना भी गिफ्ट देने गई है पता नहीं साड़ी सब पकड़ी है बच्चे के लिए कपड़ा सब है लगता है और गिफ्ट सब दे के कच्चा चावल को खीर में मतलब छिड़कते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो दोस्तों मैं कई सारे वीडियो में बताया था कि आदिवासी भी है वे सब आदिवासी सब मतलब गिफ्ट देने आए हैं मैं नमस्कार कर रहा हूँ जोहार जी और जो भी मेहमान आते हैं तो ऐसे मतलब भेंट करते हैं ये देखिए और ये सबका अभी पैर भी धोना है और पानी नाश्ता सब देना है ऐसा नमस्कार सो दोस्तों मेहमान आए थे सबको पैर धो रहे हैं ऐसा तो बाद में बहुत ही मेहमान आए थे लेकिन वो सबका मैं भी बिजी हो गया था वीडियो नहीं बना पाया था लेकिन जो आदिवासी महिला सब हैं वो सबको भी और मेहमान सबको भी ऐसा ही पैर धोते हैं लेकिन ड्राम के पास लाए हैं वैसा तो जो जगह बैठे रहते हैं उसी जगह ले कर जाना पड़ता है थाला और पानी सब उसी में धोना पड़ता है
और दोस्तों पैर धोने के लिए ये सब 10-5 रुपया गिफ्ट देते हैं जो धोते हैं उसको। तो ये मेरा दीदी है, वही बड़ा बड़ा भाई बोलता हूँ, उसका बड़ी दीदी है। तो आप तो धो लिए हैं, नाश्ता सब दे रहे हैं, मतलब कुछ छोटा मोटा नाश्ता जैसे मिठाई सब और पानी सब दिए। ये सब हम लोग का मेहमान सब आते हैं तो नमस्कार करते हैं। देखिए आ रहा है हम लोग का, हेलो दोस्तों, क्या बोलते हैं, बड़े भाई का लड़का है, अभी ठीक ठाक है, अब ये खाना खा के आ रहा है लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। सो दोस्तों आज का ये कुछ वीडियो था, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, पहली बार हम लोग का चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं गांव का ऐसा ही कांटेक्ट लाते रहता हूँ, क्योंकि गांव में कैसा रीति रिवाज सब है वो सबको आप लोग को शेयर करते रहता हूँ, और हम लोग का दिनचर्या भी क्या है वो सब भी शेयर करते रहता हूँ। सो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो में कुछ गलती होती है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।